ओके okay, इट right. एक जेंजी सवाल है आपके लिए क्योंकि हम सब ऑनेस्टली इन शॉर्ट्स को फॉलो करते हैं एज इन शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ को फॉलो करते हैं या इन सोशल मीडिया से न्यूज़ गेन करते हैं ठीक है तो आपके पर्सपेक्टिव से दो सवाल है आपके लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था हर किसी ने मुझे कहा कि इनसे ये सवाल पूछे पहला सवाल Uh, ये जो ऑर्डिनेंस बिल का फियास को खुद के नजरिए से समझाइए exactly क्या giving you all this अगर एक ले ना एक घंटा ले लो पर अच्छे से समझा दो ताकि एक बारह साल का बच्चा भी जाने की exactly ordinance क्या bill का कौन सा जो जो हाली में दोनों अच्छा द होल स्टोरी फ्रॉम योर आइस ओके दूसरी uh, चीज हमें ये बताओ कि आपको सच में इतना गुस्सा आता है कि अरे वो तो बहुत अग्रेसिव है पार्लियामेंट में अग्रेशन दिखा दी पर आ, ये आप बारह साल के बच्चों से बात कर रहे तो एक्सप्लेन फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या वाई इज इट इम्पॉर्टेंट आपको कैसा लगता है नाउ दैट यू आर द स्टार ऑफ द शो देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग वोट की ताकत से अपना वोट देकर एक सरकार को इलेक्ट करते हैं एक चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को चुनते हैं वो चीफ़ मिनिस्टर और वो मिनिस्टर्स को सरकारी सिस्टम को इस्तेमाल कर कर लोगों के लिए काम करना होता है लोगों की ज़िंदगी बेहतर करनी होती है ये मोटे मोटे तौर पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस देश की डेमोक्रेसी की लेकिन जब आप उस सरकार से सारी शक्तियाँ छीन लो काम करने की जितनी पावर्स हैं सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे उसे एक एक करके छीन लो और उस सरकार को एक प्रकार से आ, निरस्त कर दो और मैं यहाँ तक कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपोर्टेंट कर दो नपुंसक बना दो तो वो सरकार काम नहीं कर सकती लोगों की फिर इलेक्शन ही क्यों कराए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के लोगों ने तीन बार लगातार ट्वेंटी में ट्वेंटी में और ट्वेंटी में खूब प्यार आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई जैसे ही हमारी 2015 में सरकार बनी केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाकर सर्विसेज यानी कि अफसरशाही की सारी शक्ति हमसे छीन ली यानी कि अब हमारी सरकार का ब्यूरोक्रेट हमारी नहीं सुनेगा बीजेपी की सुनेगा अरविंद केजरीवाल जी अगर अपने ऑफिसर्स को कहेंगे कि तुम ये स्कूल्स स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस दिल्ली के पचास जगहों पर बनाओ ये रही जगहों की लिस्ट तो ब्यूरोक्रेट बोलेगा कि जी मैं नहीं बनाऊंगा मुझे तो बीजेपी ने मना किया मैं क्यों आपकी बात मानूँ वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ब्यूरोक्रेट है लेकिन सुनेगा अरविंद केजरीवाल जी की नहीं अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि भाई दिल्ली के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनाओ बोलेगा मैं नहीं बनाऊंगा मुझे तो बीजेपी ने मना किया आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले मेरा बॉस तो बीजेपी है मैं तो नहीं सुनूंगा तो इस प्रकार से ऑफिसर्स यानी कि वो लिंक बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव एंड द पीपल वो लिंक बीच में से छीन लिया बीजेपी ने तो सरकार हो गई ठप और इस कदर ठप हो गई कि आज दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अपना चपड़ासी नहीं लगा सकते अपना पर्सनल सेक्रेटरी नहीं लगा सकते स्टेनोग्राफर नहीं अपॉइंट कर सकते इस कदर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को पैरालाइज कर दिया और जब इस नोटिफिकेशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फेवर दिया और कहा दिल्ली सरकार के साथ बहुत गलत हो रहा है अगर लोगों की ताकत से सरकार चुनी गई है तो इन्हें काम करने की पूरी शक्ति और पूरी ताकत मिलनी चाहिए ये नोटिफिकेशन को हम खारिज करते हैं जब नोटिफिकेशन खारिज हुई तो केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आई कि नोटिफिकेशन तो छोड़ो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आठ दिन के भीतर एक ऑर्डिनेंस लाकर फिर वैसे ही एक व्यवस्था बना दी कि सारे ऑफिसर्स अफसर शाही सारी चीज़ हम छीन लेंगे और छीनेंगे कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेट, एलोकेशन ऑफ वर्क ऑफ द ब्यूरोक्रेट, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेट, वो सारी शक्ति जो है वो छीन ली अब मान लीजिए आपके दफ्तर में कोई काम करता है आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते आप उसका प्रमोशन नहीं कर सकते आप उसे नौकरी से निकाल नहीं सकते आप उसे सस्पेंड नहीं कर सकते आप उसका डिमोशन नहीं, नहीं कर सकते आप उसकी सैलरी तय नहीं कर सकते आप उसे सैलरी भी नहीं दोगे वो सैलरी भी कहीं और से लेगा तो फिर वो आपकी सुनेगा क्यों वो आपके लिए काम क्यों करेगा ना कैरेट है ना स्टिक है वाई विली वर्क फॉर यू सिमिलरली सारी अफसरशाही फिर से इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिल्ली सरकार से छीन ली और ये काम करके तीन बड़ी चीजें बीजेपी ने करी पहला एक पॉलिटिकल यू टर्न किया क्योंकि बीजेपी पिछले 30-40 साल से दिल्ली में इलेक्शन लड़ती आई है ये, ये बोल के कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम दिल्ली को फुल स्टेट बनाएंगे दिल्ली को और पावर देंगे इससे पावर छीनेंगे नहीं सर्विसेज और अफसरशाही छीनेंगे नहीं बल्कि और पावर देंगे लेकिन एक पोलिटिकल यूटर्न उन लोगों ने लिया और जो 40 साल का लाल कृष्ण अडवाणी जी का अटल बिहारी वाजपेयी जी का संघर्ष था सपना था कि दिल्ली को एक फुल स्टेट बनाएंगे वो मिट्टी में मिला दिया आज की बीजेपी ने आज की भारतीय जनता पार्टी उसका लॉजिक क्या है उसका लॉजिक एक ही है अरविंद केजरीवाल से डर लगता है पिछले 25 साल से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 25 फाइव ईयर्स मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव 25 साल में छह बार चुनाव हुए छ के छ चुनाव बीजेपी हार गई और पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई दिल्ली में जो आज से पहले नहीं थी अब वो इतनी फॉर्मिडेबल हो गई है इतनी मजबूत पार्टी है लोग इतना प्यार करते हैं अरविंद केजरीवाल जी से कि उन्हें पता है कि बीते 25 साल तो हम इलेक्शन हार गए लेकिन जब से ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आए हैं हम अगले पच्चीस साल भी इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो फिर सरकार में जब हम आएंगे ही नहीं तो सरकार को बैकडोर से चलाते हैं अफसरशाही अपने अधीन कर लेते हैं तो होते रहे इलेक्शन इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज और दिल्ली में एक प्रकार से डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो थी उसे खत्म कर दिया अब दिल्ली के लोगों की वोट की ताकत बीजेपी ने जीरो कर दी ये कोई आम आदमी पार्टी पे असॉल्ट नहीं है अरविंद केजरीवाल या राघव चड्डा पे असॉल्ट नहीं है ये असल हमला है दिल्ली के दो करोड़ लोगों पे आपकी वोट की ताकत को जीरो कर दिया तो एक पॉलिटिकल यूटर्न लिया दूसरा बड़ा हमला इन्होंने ये किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है संवैधानिक अपराध है कैसे अपराध है फेडरलिज्म जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है संघीय ढांचा उसे तार तार करता है दूसरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने के लिए यह कानून लाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी कानून के माध्यम से आप रिवर्स नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए उस फैसले का क्या आधार था बेसिस था उसे बदलना पड़ता है अगर वह आप बदलोगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप बदला जाएगा लेकिन बिना आधार बदले सिर्फ एक बिल लाकर एक ऑर्डिनेंस लाकर एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदला जा सकता इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्ट थर्ड एक साधारण बिल के माध्यम से एक लॉ के माध्यम से स्टैच्यूट के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का प्रयास किया गया है जो कि सरासर गलत है इलीगल है और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट फाड़ के इस बिल को इस ऑर्डिनेंस को कचड़े के डब्बे में फेंकेगा <coughs> चौथा ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है जो मैंने आपको बताया कि अफसरशाही की जिम्मेदारी और जवाबदेही मंत्री के प्रति मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के प्रति और विधानसभा की विधानसभा में जो एम बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति अब इस पूरे ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी में से आप अफसरशाही निकाल लेते तो ज़ीरो हो जाता सिस्टम पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। तो ये दो बड़े पॉलिटिकल यूटर्न कॉन्स्टिट्यूशनल सिन और थर्ड बड़ा अपराध जो हुआ है वो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉक की स्थिति पैदा हो गई है अब दिल्ली के अंदर आज मुख्यमंत्री फैसले नहीं ले सकते मंत्री फैसले नहीं ले सकते सारे फैसले उपराज्यपाल लेते हैं एल अब एल को तो लोगों ने नहीं चुना मैं पूछता हूं भाई एल कौन सी विधानसभा से इलेक्शन लड़े क्या कॉम्पिटेंस एल जी की दिल्ली के कौन से लोगों ने एल को वोट दिया कोई एल का नाम भी जानता है नहीं जानता तो एक अपॉइंटेड आदमी को एक सिलेक्टेड आदमी को इलेक्टेड आदमी के सर पे बिठा दिया वो चलाएंगे ये एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर कोई भी मंत्री कोई फैसले लेता है उस फैसले पर ब्यूरोक्रैट जो उसके अधीन आता है उसके अंडर आता है वो उस फैसले पर बैठ जाता है और वो फैसला सुनाता है कि जो ये मंत्री का हुक्म है ये सही है कि गलत है अगर गलत है तो हम लागू नहीं करेंगे यानी कि ऑफिसर्स को एक जुडिशियल अथॉरिटी बनाकर मंत्रियों के सर पर बैठा दिया थर्ड जितनी भी चेयरमैनशिप्स बोर्ड्स कमीशंस और कमिटीज हैं सरकार की उन सब की नियुक्ति की पावर अपॉइंटमेंट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी अब जैसे दिल्ली सरकार के अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग चलता है डीटीसी से जल का मंत्रालय चलता है डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड से। इंडस्ट्री का विभाग चलता है डीएसआईडीसी से महिलाओं के वेलफेयर का विभाग चलता है डेली कमीशन फॉर के पचास बड़े बोर्ड और कमीशन हैं यानी कि वर्चुअली सारी सरकार इन बोर्ड्स और कमीशन के माध्यम से चलती है अगर इन बोर्ड्स और कमीशंस की नियुक्ति की गठन की अपॉइंटमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की सारी शक्तियां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से छीन कर आप केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को दे दोगे तो फिर वर्चुअली सारे विभागों को तो बीजेपी कंट्रोल करेगी आप तो कंट्रोल करोगे नहीं तो फिर वो जो चाहेंगे वो होगा तो एक प्रकार से सरकार को ठप कर दिया यानी कि पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पर डाल दी लेकिन कोई पावर नहीं दी काम करने की वो सारी छीन ली ये गलत किया बीजेपी ने और ये आ, आज तो नहीं कल भी नहीं हो सकता दस पंद्रह बीस साल पचास साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहे दिल्ली में लेकिन कभी भी कोई एक नौ नाम आदमी पार्टी सरकार आएगी और कभी बीजेपी की सरकार अगर आती है दिल्ली में तो उन्हें भी महसूस होगा कि कैसे उनके हाथ बांधे गए और कैसे इस सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिवली बनाया गया जो गलत किया गया इसका विरोध मैंने संसद भवन में खड़े होकर किया ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी संक्षेप में एक्सप्लेन करी बीजेपी के लोगों को बड़ा दर्द भी हुआ मेरा एक्सप्लेनेशन सुन के लेकिन जो मुझे ठीक लगा मैंने किया और बहुत बड़ी तादाद में इस बिल को गिराने के लिए इस ऑर्डिनेंस को डिफीट करने के लिए वोट पड़े शायद मुझे मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था शायद ही राज्यसभा के इतिहास में कभी हंड्रेड से ज़्यादा वोट्स किसी एक बिल या मते के खिलाफ पड़े हों पहली बार ही हुआ कि 102 वोट्स 102 लोगों ने राज्यसभा एज अ स्मॉल हाउस 240 लगभग मेंबर होते हैं उसमें से 220 230 लोग उस दिन मौजूद थे उस दिन वोटिंग हो रही थी तो 100 से ज़्यादा 102 लोगों ने इस बिल को हराने में अपना समर्थन दिया पूरा इंडिया अलायंस की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसने समर्थन दिया मैं उनको सलाम करता हूँ और आ, आ, हो सकता है लेजिस्लेटिवली हम ये लड़ाई हार गए क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के साथ था लेकिन जुडिशली हम इस लड़ाई को लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे बीजेपी की जस्टिफिकेशन क्या थी इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं जस्टिफिकेशन यह है कि बस इस सरकार को हमने काम नहीं करने देना आप पूछिए कभी कोई आपके चैनल पे तो बीजेपी वाले आते ही होंगे उनसे पूछिएगा कि आपके ये, ये बिल क्यों लाए किन क्या कारण था किनका पॉडकास्ट देखना चाहोगे फ्रॉम द बीजेपी साइड लाइक मैं किनको लाऊं अमित शाह जी को बुलाइए ओके मुझे मुझे दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट जानने ऑनेस्टली तो बुलाइएगा क्योंकि ये बिल अमित शाह जी लाए थे उनका ही नोडल मिनिस्ट्री बनता है ओके okay. तो जब वो आए आपके शो पे तो उनसे पूछिएगा आप क्यों लाए क्या कारण था अगर मुझे बोला गया कि सुबह चार बजे भी आ जाओ कैबिनेट में बात करने के लिए मैं आ जाऊंगा क्योंकि आई फील कि पोलिटिकल सीजन अब हीटेड अप heated up हो रहा है और मेरे जैसे कैपिटलिस्ट एक्साइट हो रहे हैं आ, देश के बिग बॉस को देखकर तो आई <laughs> नो कि कुछ भी अगर आ, समस्या होती है पोलिटिकल जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे तो मैं कुछ और आठ दस सवाल दे दूंगा अपनी ओर से ओके okay, श्योर sure. तो वो भी ले लीजिए हम वो आप साथ में करोगे पॉडकास्ट हाँ मैं कर लूंगा उनके साथ मैं मॉडरेट करूंगा हाँ कर लूंगा ओके मेरा सौभाग्य है कि आ, देश के गृह मंत्री जी एक तरफ बैठे होंगे और दूसरी तरफ मैं बैठा होंगे मुझे बात करने का संवाद करने का मौका मिलेगा आई फील कि भारत राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से मैंने जवाब दिया सरकार की तरफ से उन्होंने जवाब दिया तो आमने सामने होने का मौका मिला okay. भारत को इसकी जरूरत है पब्लिक डिबेट्स बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है क्यों क्यों नहीं होता जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम देखते हैं कि एक प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ डिबेट्स होती है और बहुत लोग देखते हैं और उस डिबेट